हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द क्लास। सो बच्चों कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स टॉक अबाउट एग्जांपल नंबर 18। सो एग्जांपल नंबर 18 में मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि अगर फंक्शन एफ एंड जी 11 है तो जो गोफ होगा वो भी क्या होगा, 11 है होगा। लेट्स प्रूव इट। ओके सो नाउ कोई फंक्शन है, शो दैट इफ ए टू बी, कोई फंक्शन है इफ एफ ए टू बी एंड अनदर फंक्शन जी बी टू सी आर 11। क्या है ये आर 11? क्या है ये 11 है? देन वी हैव टू शो दैट गोफ गोफ ए टू सी इज ऑल्सो, कैसे ये ऑल्सो 11। ये हमें प्रूव करना है, तो लेट्स प्रूव इट। ठीक है, तो सपोज किया मैंने, हम करते थे क्या 11 प्रूव करने के लिए, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू सपोज कर लेते थे, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू हमें प्रूव करना होता था, यही तो लेट्स सपोज कि जी ऑफ एफ एक्स वन इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स एक्स टू सपोज कर दिया। ओके यानी कि इसको हम लिख सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स वन और इसको हम लिख सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स टू लिख सकते हैं, यही तो लिख सकते हैं, यानी कि जी ऑफ एफ एक्स टू लिख सकते हैं। एफ एक्स वन क्या है ये बताओ, एफ एक्स वन 11 है ना, यानी कि एफ एक्स वन की अगर बात करें, एफ एक्स वन की अगर बात करें, एफ कैसा फंक्शन दे रखा है हमें, 11 फंक्शन दे रखा है, तो अगर 11 है एफ एक्स वन तो क्या आ जाएगा, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू आ जाएगा, यानी कि एक्स वन और ये क्या आ जाएगा एक्स टू आ जाएगा, यानी कि एफ इज 11। क्या है एफ 11 है, और अगर एफ 11 हो गया ये, अब ये क्या आ गया जी एक्स वन इज इक्वल टू जी एक्स टू आ गया, अब जी एक्स वन इज इक्वल टू जी एक्स टू है तो अगर ये फंक्शन एक दूसरे के जी एक्स वन और जी एक्स टू है, यानी कि ये कौन सा फंक्शन हो गया जी फंक्शन, तो जी एक्स जी फंक्शन है तो जी कैसा है 11 फंक्शन है, यानी कि कैसा हो जाएगा ये एक दूसरे के इक्वल आ जाएगा, जी इज ऑल्सो 11। अगर एफ 11 था तो हमने एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू आ जाएगा और जी 11 है तब भी क्या जाएगा एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, अरे यही तो होता था कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स वन और एफ एक्स टू अगर ये 11 है तो x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा, वही तो हमने fx1 उठा कर रख दिया कि x1 इज इक्वल टू x2, इसी तरीके जी कोई फंक्शन 11 दे रखा है तो हमें उसके क्या कर लिया x1 इज इक्वल टू x2, यानी कि गोफ इज 11 फंक्शन, गोफ कैसा हो गया 11 फंक्शन। सो नाउ स्टूडेंट्स अगर हम बात करें एग्जांपल नंबर 19 की, तो एग्जांपल नंबर 19 इज सेइंग दैट इट इज विजिबल और नॉट, आई थिंक इट इज विजिबल, शो दैट इफ we have to show that if f is a function a to b and g is another function b to c are onto, ye dono function kaise hain onto function hai, then gof a to c is also on, kaise honge ye onto function honge। okay नाउ इसको डायग्राम से भी आपको समझाता हूँ मैं, ये कोई फंक्शन है ए, ये कोई हो गया सेट बी, ये क्या हो गया सर सेट क्या हो गया सी हो गया, यहाँ से फंक्शन क्लियर डिफाइंड है एफ, यहाँ से फंक्शन डिफाइंड है क्या बच्चों जी फंक्शन डिफाइंड है, यानी कि अगर जी में कोई फंक्शन है, जी में कोई वेरिएबल कोई एलिमेंट है जेड, तो जी ऑन टू बोला उसने, यानी कि जेड की प्री इमेज बन रही होगी, जेड की क्या प्री इमेज बन रही होगी, कोई प्री इमेज बन रही होगी, लेट्स सपोज देयर इज अ प्री इमेज वाई, क्या बन रही है प्री इमेज वाई बन रही है, अब वो बोल रहा है कि एफ इज ऑल्सो ऑन टू, यानी कि जो वाई यहाँ पे एलिमेंट है उसकी कोई प्री इमेज बन रही होगी क्या एक्स बन रही होगी, तो अगर ऐसा है तो क्या वी कैन से दैट, अगर ये तो हमने दिखा दिया ना जेड की प्री इमेज वाई बन रही है वाई की एक्स बन रही है, यानी कि जो फॉग है यानी कि गोफ जो हम फाइंड करेंगे वो कैसा होगा ऑन टू होगा, यानी कि अगर लेट जेड बिलोंग्स टू सी, जेड बिलोंग्स टू सी एंड जी इज ऑन टू, सो अगर क्या जी इज ऑन टू सो देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज ऑफ जेड इन डोमेन प्री इमेज ऑफ जेड इन डोमेन, डोमेन क्या होगा बी डोमेन होगा, तो बी डोमेन है, अगर जी का क्या डोमेन होगा बी,
प्री इमेज ऑफ जेड वाई, प्री इमेज ऑफ जेड इज वाई बिलोंग्स टू, वाई किसको बिलोंग कर रहा है इसको तरीके से, वाई बिलोंग्स टू बी, वाई किसको बिलोंग कर रहा है बी को, बिकॉज जी इज ऑन टू, एंड वाई बिलोंग्स टू क्या है बी है, वाई बिलोंग्स टू क्या है बी है, एंड एफ इज ऑन टू, एफ कैसा है ऑन टू है, सो देयर एग्जिस्ट क्या, देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज ऑफ वाई इज एक्स बिलोंग्स टू ए, कोई प्री इमेज क्या एक्स बिलोंग करेगी किसमें, ए में बिलोंग करेगी, क्यों, क्योंकि एफ इज ऑन टू है, हेंस प्री इमेज ऑफ जेड ऑफ जेड इज एक्स इन गो फंक्शन, किस फंक्शन में, गो फंक्शन में जो प्री इमेज बन रही है किसकी, जेड की इज एक्स, यानी कि गोफ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इज ऑन टू फंक्शन। थ्योरी थोड़ी इधर से उधर भी हो सकती है लेकिन कहने का मतलब यही है कि जो गो फंक्शन है, जो गो फंक्शन है वो भी क्या होगा ऑन टू होगा, क्योंकि सिंपली जो हमारा जी का प्री इमेज वाई बन रही है, वाई की प्री इमेज एक्स बन रही है, यानी कि जो भी जेड के एलिमेंट है सबकी प्री इमेज किसमें बन रही है एक्स में बन रही है, यानी कि वी कैन से दैट कि गोफ इज ऑन टू फंक्शन, गोफ कैसा फंक्शन होगा ऑन टू फंक्शन होगा। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 20। कंसीडर, क्वेश्चन इज सेम देन, कंसीडर फंक्शन एफ एंड जी, एफ एंड जी सेज दैट कंपोजिट गोफ इज डिफाइंड, गोफ इज डिफाइंड, गोफ क्या हो जाए डिफाइंड हो जाए, एंड इज वन वन, कैसा हो गोफ वन वन होना चाहिए, ठीक है ना। हाउ वी हैव टू फाइंड दैट कि आर एफ एंड जी, आर एफ एंड जी नेसेसरीली वन वन होंगे या नहीं होंगे, क्या वन वन है नेसेसरीली, वन वन होना जरूरी है नहीं है, तो लेट सपोज करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, लेट सपोज किया कि एफ इज अ फंक्शन, वन टू थ्री फोर एलिमेंट है इसके, ठीक है, डिफाइंड है किस तरीके से, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, किस तरीके से डिफाइंड है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, एंड डिफाइंड एज, डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू इस कोई भी एलिमेंट है, यानी कि वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर को बिलोंग करना, ठीक है, इसको समझ लेना, वन टू थ्री फोर, एंड जी इज अनदर फंक्शन डिफाइंड वन टू थ्री फोर, जी इज अनदर फंक्शन डिफाइंड है वन टू थ्री फोर, लाइक डिफाइंड है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, किस तरीके से, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, एज कि जी एक्स इज इक्वल टू एक्स है फोर वन टू थ्री फोर, एंड एंड जी फाइव एंड जी सिक्स इज इक्वल टू, जी फाइव एंड जी सिक्स हमने सपोज किया कि इट इज द इसका जो किस तरीके से फाइव से, यानी कि जी एक्स की जो वैल्यू वन टू थ्री फोर रखेंगे हम तो यहाँ पर आ जाएगी, यानी कि वन टू थ्री फोर के लिए एक्स एंड जी फाइव एंड जी सिक्स के लिए रिलेटेड टू फाइव। अब इसका हम डायग्राम से समझे इसको, यानी कि वन टू थ्री फोर एलिमेंट किस में दे रखे, एक एक सेट हो गया, इसमें सेट दो हो गया, यानी कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, एंड देन नेक्स्ट सेट इसमें है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यहाँ कोई फंक्शन एफ डिफाइन हो गया, यहाँ कोई फंक्शन जी डिफाइन हो गया, ये गोफ कैसा दे रखा है हमें वन वन, ये कैसा है वन वन, यानी कि वन, देखो अगर हम फंक्शन एफ की बात करें तो हमने इस तरीके से लिया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी कि वन रखेंगे तो क्या आएगा वन, टू रखेंगे तो टू, थ्री रखेंगे तो थ्री, फोर रखेंगे तो फोर, फाइव सिक्स यानी कि नहीं हो रहा, यानी कि ये क्या हो गया वन वन फंक्शन देख सकते हैं आप, ठीक है। अब ये किस तरीके से दिख रहा है कि जी एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी कि वन रखेंगे तो फोर, वन टू थ्री फोर यानी कि वन रखेंगे हम, वन रखना है तो वन से, टू रखना है तो टू से, थ्री रखना है तो थ्री,
फोर रखना है तो फोर, फाइव रखना है तो फाइव, सिक्स रखना है तो फाइव। अब ये जी फंक्शन कैसा हो गया, जी फंक्शन तो ऑन टू नहीं है ना, ये फंक्शन वन वन है लेकिन जी फंक्शन कैसा नहीं है, ऑन टू नहीं है। अगर हम वन रख रहे हैं तो उसकी इमेज क्या बन रही है, वन बन रही है, टू रख रहे हैं तो टू बन रही है गोफ में, थ्री रखना है तो थ्री बन रही है, फोर रखना है तो फोर बन रही है। लेकिन फंक्शन एफ के लिए तो पॉसिबल है कि सारे के सारे वन वन है, लेकिन जी के लिए पॉसिबल यहाँ पे ये नहीं हुआ कि क्या ये सब क्या है, वन वन है। यानी कि इट इज नॉट नेसेसरी कि एफ एंड जी आर वन वन, यानी कि एफ इज नेसेसरीली क्या वन वन बट जी इज नॉट वन वन। जी कैसा नहीं होगा, वन वन नहीं होगा, ठीक है। यानी कि गोफ एक्स अगर हम निकालें, यानी कि यहाँ पे गोफ एक्स एफ एक्स हमने निकाला तो किसके इक्वल आ रहा था, वो एक्स के इक्वल आ रहा था फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, विच शो दैट गोफ इज क्या है, वन वन हो गया। यानी कि गोफ कैसा हो गया हमारे पास, गोफ इज वन वन, गोफ हमारे पास वन हो गया। लेकिन जी इज नॉट क्लियरली, यहाँ से देख सकते हैं कि जी इज नॉट क्लियरली वन वन, वन वन जी नहीं है, जबकि क्या है एफ इज वन वन। यानी कि याद रखना कि जब हमारा क्या गोफ हमारा वन वन हो तो जरूरी नहीं कि जी वन वन हो, एफ वन वन जरूरी होना चाहिए। यानी कि नेसेसरीली कि एफ क्या है वन वन है बट जी इज नॉट वन वन। इसी तरीके से कि अगर कोई डिफाइंड है कि गोफ क्या है हमारे पास ऑन टू है, तो उसमें क्या होता है इसका उल्टा हो जाता है, यानी कि जी इज नेसेसरीली ऑन टू बट एफ इज नॉट ऑन टू। ओके बच्चों, अब नाउ टॉक अबाउट एग्जाम्पल नंबर 21। सो एग्जाम्पल नंबर 21 इज सेइंग दैट आर एफ एंड जी नेसेसरीली के जरूरी के ऑन टू हो इफ गोफ इज ऑन टू। गोफ कैसा है, ऑन टू है, तो जरूरी है कि जो हमारा एफ एंड जी जो क्या हो ऑन टू हो। ओके, इस तरह कि गोफ ऑन टू है तो जरूरी है कि ये ऑन टू है या नहीं है, ठीक है। सो लेट हमने सपोज किया कि एफ जो है वन टू थ्री फोर डिफाइन टू बी वन टू थ्री फोर एंड जी वन टू थ्री फोर टू वन टू थ्री। ओके, वन टू थ्री फोर टू वन टू थ्री डिफाइन बाय, किस तरीके से डिफाइन किया, बुक के एग्जाम्पल से समझते हैं। इस तरीके से डिफाइन किया कि एफ वन इज इक्वल टू क्या वन, एफ टू इज इक्वल टू टू दे रखा है एंड एफ थ्री इज इक्वल टू एंड एफ थ्री एफ फोर जो हमने सपोज किया थ्री। इसी तरीके से जीवन की बात करें हम, जीवन इज इक्वल टू वन एंड जी टू की बात करें टू एंड जी थ्री की बात करें हम तो जी फोर के इक्वल एंड जी फोर दोनों की इमेज थ्री। इट कैन बी सीन दैट गोफ इज ऑन टू एंड एफ इज नॉट ऑन टू। देखते हैं, लेट्स चेक कि कैसे है, ठीक है। हमने कोई तीन सेट लिए, ठीक है, ये कोई सेट हो गया जिसमें एलिमेंट है वन टू थ्री फोर, इसमें कोई सेट लिया हमने इसमें एलिमेंट है वन टू थ्री फोर एंड द लास्ट सेट में जो एलिमेंट है वन टू थ्री एलिमेंट, ठीक है। ये हो गया हमारा एफ, ये हो गया हमारा जी। गोफ हमें दे रखा है कैसा, ऑन टू दे रखा है, कैसे दे रखा है ऑन टू, इसके बारे में बात करेंगे। अब देखो डिफाइन किस तरीके से कि एफ वन की इमेज वन बन रही है, ओके, एफ टू की इमेज बन रही है टू, ओके, एफ थ्री की इमेज बन रही है और एफ फोर की इमेज बन रही है थ्री, ये इमेज बन रही है एफ थ्री एंड फोर की थ्री, ओके। अब ना अगर हम बात करें जी वन की जो इमेज बन रही है वो वन बन रही है, ठीक है, जी टू की इमेज जो बन रही है टू बन रही है और जी थ्री की जो और जी फोर की जो इमेज बन रही है वो क्या बन रही है थ्री बन रही है, क्या बन रही है थ्री। अब ऑन टू के लिए सबकी प्री इमेज बननी चाहिए, अब प्री इमेज देखते हैं, वन की प्री इमेज बन रही है वन बन रही है, टू की प्री इमेज बन रही है टू बन रही है, थ्री की मेरी प्री इमेज बन रही है थ्री और फोर बन रही है। नाउ चेक करते हैं कि एफ की इसमें से इस एलिमेंट की प्री इमेज बन रही है, वन की नहीं बन रही है, चलो ठीक है वन की तो बन ही रही है, टू की बन रही है, थ्री की भी बन रही है, दो प्री इमेजेस है ना, फोर की कोई नहीं बन रही है। यानी कि जी इज नेसेसरीली क्या हो जाएगा, जी इज नेसेसरीली ऑन टू बट एफ इज
क्लियरली नॉट ऑन टू इफ गोफ इज ऑन टू, यानी कि गोफ ऑन टू है तो जी ऑन टू जरूर होगा और जरूरी नहीं कि एफ ऑन टू होगा। इसी के साथ हमने गोफ की और फोक की सारे हमने थ्योरम्स और गोफ की थ्योरम्स पढ़ ली और जो भी कंडीशंस है वन वन ऑन टू की वो सारी हमने कवर कर ली। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम इन्वर्टिबल।